फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज का जो हमारा वीडियो है वो आलता डिज़ाइन का नहीं है, और आज मैं आप लोगों को कुछ नया करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये मैं नेल पॉलिश लेके आई हूँ जो किरकिरी में है और आसमानी कलर में है। तो शायद आप लोगों को ये नेल पॉलिश अच्छा लगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मैं ले ली हूँ। और इसके ऊपर से आपको वाइटनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग वाइट वाला पेंट लगाते हैं पानी वाला, उसे हम लोग नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही आपके पैरों में वैसे ही शाइनिंग ले आता है ये नेल पॉलिश। तो मैं यहाँ पे अभी अपना नेल पॉलिश जो है उसे रिमूव कर रही हूँ। तो मैंने जैसा बताया था, मैं पहले नेल पॉलिश रिमूव नहीं करती थी, मैं उसे पे लगा लेती थी, लेकिन जब से मैंने ये कॉटन वाला ये यूज़ किया है तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसे यूज़ करती हूँ हमेशा, अच्छा लगता है मुझे। और इससे जो नेल है हमारे ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैंने अपना नेल्स जो है वो रिमूव पॉलिश को है रिमूव कर लिया हुआ है, और मैं इस नेल पॉलिश को लगाऊंगी। देख सकते कितना प्यारा कलर है ये। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को अपने पैरों में, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और विंटर में जिसे अपने पैरों को सजाना अच्छा लगता है, क्योंकि कितने लोग को पैर भरना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैं वीडियो ला चुकी हूँ, वो देख सकते हैं। उससे आपकी एड़ियाँ बिल्कुल नहीं फटेंगी। जो लोग डरते हैं कि हमें मतलब हमेशा पैर भरने से मेरी एड़ियाँ फटती हैं, तो वो सोल्यूशन मैंने दूर कर लिया है। देख सकते हैं मैं हमेशा पैर भरती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ अभी ये आलता डिज़ाइन, क्योंकि ठंड का समय है और सॉक्स निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा असकत आती है, इसलिए मैं इधर भी नहीं बना पा रही हूँ आलता डिज़ाइन का वीडियो। और जल्दी आने वाली है हमारी आलता डिज़ाइन की वीडियो, तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। वैसे तो मैं पता है आप लोग वीडियो सभी लोग देखते हो, तो फ्रेंड्स वीडियो देख के वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि हमें आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है तो हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। यदि लाइक्स नहीं आते हैं तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। देख सकते हैं मैंने अभी वाइटनर नहीं लगाया हुआ है, जिसे जो भी बोलते हैं मैं इसे वाइटनर ही बोलती हूँ। आप लोग इसे क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो मैं नया चीज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक थाली लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक बबल्स बनाया था, जो कि पानी में डालने से बॉल बड़े हो जाते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं और पानी में डालो तो बड़े हो जाते हैं। तो मैंने वही लिया हुआ था, मैं दुकान पर गई थी तो मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसका भी डालती हूँ। और मैं ले आई हूँ, ये ज़्यादा खिला नहीं पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें दिया था बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा, और मैंने वही सोच के लिया कि मैं इसे क्रश करूँगी और अच्छा लगेगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये काफ़ी छोटा छोटा है और मुझे लगता है ये ठंड की वजह से नहीं खिला है, और जो भी कारण हो पता नहीं क्यों नहीं खिला। और मैं नीचे करके कर रही थी तो ये और ही फिसलन हो रहा था, मैंने सोचा कि इसे थाली में ही करके करती हूँ और थाली का अच्छा लुक भी आएगा। तो देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइटनर लगा रही हूँ, ताकि हमारे नेल्स जो हैं वो मैं से थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि और चमक में आ जाए। वैसे ही इसमें किरकिरी डाली हुई है तो वैसे ही चमक है, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए मैं इसे क्रश तो कर रही हूँ, बट ये हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ये फिसलन है और काफ़ी मुलायम है, और हाथ में ज़रा सा भी नाखून लग रहा है, टूट जा रहा है ये तुरंत बॉल। ऐसे देखिए कब से मैं फूट रही हूँ, फूट ही नहीं रहा है। मैं भी इसे फोड़ते फोड़ते थक गई हूँ। कमेंट करके ये बताना ज़रूर फ्रेंड आप लोग
की वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को, ताकि ऐसे ही और वीडियो में नए नए ला सकूं। और मैंने अभी नई नई टोज रिंग ली थी, उसकी वीडियो भी मैं डाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं वो टोज रिंग कैसी थी। आप लोगों ने अभी तक कमेंट करके बताया नहीं मुझे कि ये टोज रिंग कैसी लगी आप लोगों को। फ्रेंड कमेंट कर दिया कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं इसे देख के आगे कर रही हूँ, ताकि ये उंगलियों से मैं इसे क्रस कर सकूँ, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो हिल रही थी, क्योंकि मैं इसे हाथ में लेके वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। देख सकते हैं वीडियो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और क्योंकि हाथ में लेके पकड़ने से तो वीडियो हिलेगा ही, क्योंकि हाथ पर अगर हिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो हिलेगी। तो वीडियो को कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ठोक के दीजिएगा, चाहता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो बनाने में। ये वीडियो कम से कम 3 दिन तक बना है, एक दिन मैं इसे ले आई, फिर उसे गई उसे खिलाई, नहीं खिला, फिर मैं उसे हल्का सा गर्म पानी डाल के खिलाया, थोड़ा सा खिला, उसके बाद हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं इसे हाथ से फोड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक हाथ में लेने तो तुरंत फूट जा रहा है, पैर से इतना क्रस कर रही तब भी नहीं हो रहा है। वीडियो को पूरा करते हैं, और ये बबल्स हमारे ख़राब हो चुके हैं कुछ कुछ, या तो मैं इसे फेंक दूँगी या तो बच्चे को दे दूँगा, कोई खेल डालेगा। वैसे 10 रुपये तो ख़राब हो ही है। तो ये देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा थोड़ा और कस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं होने वाला है, और ये होगा भी नहीं, अब उसे नहीं होगा। मेरे पैर दर्द होने लगे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने पैरों को मॉइस्चराइज करने और सोने। ये नाइट की वीडियो है, मैं इसे करीब 9:30 बजे रात को बनाई थी ये वीडियो, और मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए फिर, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, और आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो भी हमें बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो जल्दी आ जाए। और हाँ, एक लोग का रिलैक्सो चप्पल का वीडियो है, तो वो अभी हम नहीं बना सकते हैं, और बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, उनकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी, वो नाराज ना हो। और थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि अभी मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं अभी ये वीडियो नहीं ला पाऊँगी रिलैक्सो चप्पल का, और मैं ले आऊँगी तो आपकी वीडियो ज़रूर पूरी करूँगी। और मैं जब भी चप्पल लेने जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास 3-4 चप्पल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसमें से एक चप्पल टूटे तो मैं ले आऊँ। और मेरे यहाँ शादी पड़ी हुई है, तो मैं भी जरूर जाऊँगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।